24 घंटा में न्याय नहीं मिलता है, तो हम लोग 24 घंटा के बाद पूरे झारखंड में चक्का जाम होगा। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले 27 वर्षीय युवक संजय सोरेन का शव मिलने के बाद स्थानीय लोग भड़क उठे। स्थानीय लोगों ने देर शाम आजाद नगर थाना के गेट पर शव को रखकर थाना का घेराव कर दिया। स्थानीय लोगों की मांग थी कि पिछले 2 महीने 10 दिन से संजय सोरेन घर से लापता था, लेकिन आजाद नगर थाना की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आजाद नगर थाने का घेराव कर अपना आक्रोश प्रकट किया। वहीं थाना का घेराव कर रहे लोगों ने सड़क जाम भी कर दिया, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। पुलिस लोगों को समझाने में लगी हुई है। वहीं आजाद नगर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले 16 वर्षीय मोहम्मद जिशान नामक युवक अपनी लाल रंग की स्कूटी लेकर 10 महीने पहले यानी 16 फरवरी 2022 को अपने घर से गरीब कॉलोनी सब्जी लेने निकला था। इसके बाद युवक का कुछ भी पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद युवक की स्कूटी आजाद नगर थाना क्षेत्र के मुर्दा मैदान से बरामद की गई थी। युवक मोहम्मद जिशान आज तक लापता है। मोहम्मद जिशान के परिवार वालों का कहना है कि आजाद नगर थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिसके बाद जमशेदपुर सिटी एसपी के विजय शंकर आजाद नगर थाना पहुंचे और लोगों से बात कर जाम को हटाया गया। एसपी ने आश्वासन दिया कि मुजरिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। झारखंड टाइम्स से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। 24 घंटा में न्याय नहीं मिलता है, तो हम लोग 24 घंटा के बाद पूरे झारखंड में चक्का जाम होगा और इसका जवाब दे ही आजाद नगर थाना देगा और प्रशासन देगा, जिला प्रशासन और आजाद नगर थाना प्रभारी। मामला क्या है, जो सेम मामला हमेशा का इनका रहा है वही चल रहा है। अभी इनकी तरफ से हम लोग को कोई, आजाद नगर की तरफ से हम लोग को कोई सहयोग नहीं है। हम लोग भी जब आते थे तो हमारे जो केस आयु है श्री प्रदीप कुमार सर, उनका कहना है कि हम लोग खोज रहे हैं, नहीं मिलेगा तो हम लोग को कोई ये नहीं है, 7 साल के बाद मृत्यु घोषित कर देंगे, 7 साल के बाद केस बंद कर देंगे। वो खुद से सामने से ये बात बोलते हैं। क्या उम्मीद रखे आकर, ये क्या लग रहा है अभी आके, ये लग रहा हम लोग को कि हम लोग को भी इस बीच में हम लोग को भी थोड़ा हो जाए, हम लोग को भी इंसाफ मिले। डर लग रहा है, हम लोग को भी डर लग रहा है कि इनका तो 3 महीना में ये लोग खोज लिए, पर कहीं ना कहीं हम लोग की वजह से हम लोग को कहीं कमी तो नहीं रह गया खोजने में, जो इनके साथ हुआ ऐसा तो नहीं कि हम लोग के साथ भी वही हुआ है, पर हम लोग खोज नहीं पाए। आपको भी सेम एकदम स्कूटी मिली थी लाल कलर, एकदम सेम यही चीज हुआ है, जैसे इनका हुआ है वैसे ही मेरा हुआ है, तो इसलिए हम लोग को डर सता रहा है कि क्या हुआ है। अब थाना में सिलम बातें नहीं करते, हाँ ये लोग हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग भी इंसाफ का गुहार लगा रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग को भी इंसाफ मिल जाए। अगर नहीं इंसाफ नहीं मिलता है इंसाफ, तो हम लोग का ये कहना है कि ये थाना नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए ना, कोई फायदा तो नहीं है थाना रहने का, जब इंसाफ ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे इस थाना को। किसी किसी बच्चे बुलाते जाएगा, थाना लोग को इंसाफ नहीं मिल रहा हम लोग को। इनका अपहरण का केस था, ये 20 तारीख को दर्ज हुआ था यहाँ पे। तो पहले ये सूचना था कि किसी का इनका अपहरण कर लिया गया, घर से नहीं निकले, घर से अपने निकले, तो उसी में 110/22 आजाद नगर थाना में मान दर्ज हुआ और उसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनका स्कूटी जो दिया गया, बाकी जो उनका पहना जूता हुआ था और दुकान था वो सब मिला था। लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान चलते चलते आज पता चला कि इनका डेथ हुआ है और बॉडी जो पिकअप हुआ, तो उनके फैमिली वालों का ये रिमांड था कि थाने से इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी अच्छा है, ये आश्वासन दिया गया, पर्सनली केस कर दिया जाएगा और जो अगर कम्युनिकेटिव ऑफिसर की तरफ से कोई लापरवाही की गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो सक्षम ऑफिसर है उनसे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इस केस को कौन देख रहे थे? थाने जो देख रहे थे एक सब इंस्पेक्टर थे, उनका बदली हो गया तो उसके बाद से वो दूसरे सब इंस्पेक्टर को चार्ज मिला है, तो इसमें अभी नया एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, जो भी मिलकर इस पार केस का खुलासा करेंगे जल्दी ये मेरे को प्रारंभ करें। और अगर इसमें लापरवाही अगर थाना से होगा तो उसमें भी कार्रवाई होगी, जैसे अपने कहा क्या कहें, क्योंकि अगर थाना से बार बार आके थाना से सहयोग नहीं मिला, दो महीना बीत चुके थे, इसका बिल्कुल पूरा जांच होगा जो भी इनका आरोप है, और इसमें कोई भी दोषी पाया जाए चाहे हमारे थाने का हो, कहीं चाहे किसी और थाने का हो, चाहे पुलिसकर्मी हो या सिविल, जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपकी तरफ से आश्वासन जी, 24 घंटे की गिरफ्तारी का मुहिम कर रहे हैं आपसे, 24 घंटे का प्रैक्टिकली अगर मिल जाता तो एक ही घंटे में पकड़ते, लेकिन ये है ना कि उनका सेंटीमेंट हम समझ रहे हैं कि किसी के डेथ हुआ तो वो जैसे जी, और हम प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो सकता है कि वो मतलब अरेस्ट हो जो कि उसे, तो पूरा प्रयास किया जाएगा कि 24 घंटे खुला जाए, 24 घंटे में नहीं खुला जाता तो जितना जल्दी पकड़ सकते हैं। टीम लग जाएगी, अब टीम का तो आदेश हो गया है, अभी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हो गया है
और जल्दी ही केस खुलासा हो जाएगा। सर एक सेम केस और है मोहम्मद जिसान के, जो एक करीब 10 महीना हो गए वो भी लापता है राजनगर थाना क्षेत्र से, उसके परिवार उनकी भी स्कूटी बरामद की गई जिससे उनके भी परिवार वाले आए थे अभी। उसका भी हमें फरवरी महीने का केस है, तो उनको पीड़ित परिवार को बुलाया गया है और उनसे आवेदन देखिए जो उसमें अगर कुछ शॉर्टकमिंग है तो उसको एड्रेस किया जाएगा। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।